अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पुलिस कांस्टेबल पर पिस्टल थी, लिहाजा उसने ई रिक्शा चालक से मामूली झड़प के बाद पहले थप्पड़ मारे और फिर गोली मार दी। वह पुलिस में था, शायद इसलिए पिस्टल चलाई। अगर सेना में होता तो समझा जा सकता है कि कम से कम तोप तो चलती ही। गोली मारने के बाद पुलिस कांस्टेबल घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। ई रिक्शा चालक व आसपास के लोग नहीं समझ पाए कि इतनी मामूली सी बात पर कोई गोली कैसे मार सकता है। बहरहाल आरोपी कांस्टेबल की तलाश पुलिस कर रही है। मेरठ के भूमिया पुल पर आज दोपहर यह वारदात हुई। भूमिया के पुल पर अक्सर यातायात बेहद धीमा होता है। श्यामनगर निवासी 25 वर्षीय शादाब ई रिक्शा से वहां सवारी उतार रहा था। इस दौरान कार में सवार वर्दीधारी कांस्टेबल वहां पहुंचा और ई रिक्शा साइड में कर लेने की बात कही। बोलने का जो भी तरीका रहा हो, लेकिन कांस्टेबल ने नीचे उतरकर वर्दी का रौब झाड़ते हुए शादाब में 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। फिर आओ देखा नताओ, उसे पिस्टल निकाल कर गोली मार दी। भीड़ एकजुट होती इससे पहले बहादुर कांस्टेबल तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। पहले सुनते हैं क्या बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। आपको सुना हुआ ई रिक्शे वाला आकर रुका। हाँ जी। और रुकने के बाद में वो साहब आए, पिस्टल लगा वर्दी में थे पुलिस की, और उसने पिस्टल निकाली, रबर की गोली मारी इसका ई रिक्शे वाले के। और इधर को भुगे, चेहरा ढका हुआ था, हेलमेट लगा रखा। यहाँ गई रिक्शा वाला रुका, पीछे से वर्दी में पुलिस वाला था, और उसने पिस्टल निकाली और चटा के गोली मारी रबर की। आवाज भी बहुत थी तो हमने देखा वो निकल मारते वो भगत दे दिया उसकी तरफ। पता नहीं चला कहाँ का पुलिस वाला है। चेहरा ढक रखा था, हेड लगा रखा सफेद रूम का। राशिद भाई क्या देखा आपने? भाई यही देखा जी, बैटरी वाले रिक्शे वाला खड़ा हुआ था, सिपाही आया इधर से, उन्होंने देखा जी और मार के फिर इधर हुआ वो पटाखा लगा रखा। तो किस थाने का सिपाही था पहचान नहीं हुई? सिल्वर कलर की गाड़ी होगी, ये पता नहीं चला किस थाने का है। घायल शादाब की भी सुनते हैं। भगाओ, अरे उनने मेरे पे हमला चला दिया, उनने मुंह पे मार रहा था, पेट पर रख के चला दिए एकदम निकाल। क्या क्या चला दी? एक बंदूक थी व्हाइट कलर की सफेद सी, वो चला दी। मेरे आगे और बैठा था उस पर वो चला रहे थे, उनको और कान पर रख दी थी, वो बच गया, मैं बेहोश हो गया। किसने चलाई है? पुलिस वाले ने। तो उपचार के लिए जा रहे हो क्या? जी मुझे दिखा दो तुम, मेरे बोलने बंद होने वाला। क्या नाम है आपका? सादा। कहाँ के रहने वाले हो? सामने। आइए पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली दिनेश चंद शुक्ला भी इस घटना के बारे में बता रहे हैं। सर, एक युवक के गोली मारने का मामला सामने आया है, टक्कर को लेकर विवाद हुआ है, क्या है पूरी घटना? ये लिसाड़ी रोड पर ई रिक्शा और सफेद बलिनो कार में आगे पीछे रख के लेकर किसी बात का विवाद हो गया था, जिसमें ई रिक्शा चालक को गोली लग गई है। उसको तत्काल पीएस शर्मा में एडमिट करा दिया गया है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। साथ ही साथ कार के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पता करा रहे हैं और शीघ्र ही अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे।